सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार की करीबी एकता कौशिक के यहाँ आयकर विभाग ने छापा मारा। एकता के घर पर चार दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी हुई। विभाग का दावा है कि उनके घर से कई अहम दस्तावेज, नकदी और गहने मिले हैं। इसकी जांच पड़ताल एक महीने तक चलेगी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर एकता कौशिक है कौन और कैसे इनका संबंध सपा नेता आजम खान से बना और किस घटना के बाद एकता कौशिक चर्चे में आई। एकता कौशिक आजम खान के छोटे बेटे अदीब खान की दोस्त हैं और उनके साथ कॉलेज में थी। दोनों की मुलाकात नोएडा के फिल्म सिटी में हुई। एकता कौशिक वहां मार्वल स्टूडियो में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए गई, या उन्होंने मॉडलिंग का भी कोर्स किया। फिर वो जौहर ट्रस्ट से जुड़ी और फिर आजम खान और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और आजम खान की पत्नी के बेहद करीब आ गई। नेताओं से एकता के संपर्क का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आजम के अस्पताल में होने पर अखिलेश यादव वहीं थे और वहां आने के वक्त भी एकता वहीं मौजूद थी। हालांकि एकता का कहना है कि उन्हें सिर्फ ट्रस्ट के लीगल सपोर्ट का काम किया। एकता ने आजम के परिवार से अच्छे रिश्ते की बात भी स्वीकारी है। गाजियाबाद की रहने वाली एकता कौशिक पूर्व GDA अवर अभियंता परितोष शर्मा की बहू है। परितोष शर्मा के परिवार का कांग्रेस के साथ जुड़ाव रहा। बताया जाता है कि उनके घर पर राहुल गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेता आ चुके हैं। परितोष शर्मा ने साल 2009 में सर्विस से VRS लिया। एकता कौशिक के पिता सुरेंद्र कौशिक भी GDA के लेखा विभाग में अकाउंटेंट थे। स्वर्ण जयंतीपुरम जमीन आवंटन घोटाले में भी उनका नाम सामने आया। एकता कौशिक का आजम खान और उनके परिवार से बेहद करीबी नाता है। अदीब से दोस्ती के कारण उनका आजम खान के घर पर आना जाना हो गया। आजम उन्हें अपनी मोहबोली बेटी कहते। वो आजम से मिलने के लिए जेल भी गई। सोशल मीडिया पर उनके और आजम और अखिलेश के साथ फोटो हैं। आजम को जमानत मिलने में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। आजम के बीमार होने पर वो उन्हें देखने अस्पताल गई। आजम की पत्नी जब अस्पताल में भर्ती थी तो वो वहीं थी। एकता कौशिक के घर आयकर का छापा पड़ने के बाद आजम खान ने कहा कि उनकी वो बेटी जैसी हैं, क्या लोग इसे मिसाल नहीं बनाएंगे। उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी बीमार थी और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, तब एकता ने बेटी की तरह उनकी देखभाल की। अगर उनकी चार बेटियां होती तो भी इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी एकता ने की। एकता कौशिक के पिता सुरेंद्र कौशिक और उनके परिवार के भी नजदीक आजम खान रहे हैं। मूल रूप से राजापुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र कौशिक के भाई सुधीर कौशिक के निधन पर आजम खान शोक व्यक्त करने उनके घर भी गए। सूत्रों के मुताबिक सपा में एकता का रसूख ऐसा है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता भी एकता के बारे में कुछ भी बोलने से बचते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राज में उनके परिवार का कारोबार काफी तेजी से फला। एकता कौशिक के परिवार का सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी कारोबार है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट के अलावा अन्य कारोबार में उनके परिवार का पैसा लगा है। एक महीने में ही एकता कौशिक और उनके परिवार के सदस्यों ने 3 महंगी और लग्जरी कार खरीदी। इनमें एक जैगवार, BMW, मर्सिडीज शामिल है। एकता ने जब 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदी उसके बाद ही उनके घर पर IT ने रेड मारी। इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा एकता के घर पर मिले बैंक से जुड़े कागजात और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है। सूत्रों के मुताबिक एकता कौशिक 2 दिन से घर पर नहीं थी और फोन भी नहीं उठाया। रामपुर के BJP विधायक का कहना है कि इनकम टैक्स के रेड्स के बाद आजम खान गाजियाबाद गए। एकता कौशिक जरूर उनके संपर्क में होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।